नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। पूरी की पूरी पीडी टीम आपके सामने हाजिर है। एक बार जल्दी से चेक करके बताओ, आवाज सही से ऑडिबल है क्या और वीडियो सही से विजिबल है क्या? किसी प्रकार की कोई बफरिंग तो नहीं हो रही? देखो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। फिर हम शुरू करते हैं। अंकित उड्डा, HSSC ड्रीमर्स, इंडिया स्पोर्ट्स, अच्छा राम प्यारी भी आज पेपर देने आई होगी जरूर। मंजीत विजार्ड्स, हाँ जी मिलके कोई नहीं गया, मिलके नहीं जाता ये एजुकेशनल व्लॉग्स। राम राम जी भाई, जल्दी से जल्दी एक बार वीडियो को शेयर कर दो सारे के सारे ग्रुप्स में, ताकि जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए वो इसको देख पाए। लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे अभी, अलग अलग टीचर करवाएंगे, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको अभी। एक बार वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो ग्रुप्स में। उम्मीद है कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया होगा। पूरा पीडी कैंपस आपका आभारी है कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे लिए की। मतलब किसी प्रकार की अव्यवस्था आपने नहीं होने दी, बड़े ही प्यार से और शांति पूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ। इसके लिए पीडी कैंपस आप सभी विद्यार्थियों का आभारी है। आपका ये प्यार मारता जमानू मतलब देखा नहीं जा रहा है। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो भाई, फिर शुरू करवाएंगे। मिलवाता हूं फिर आपको सभी टीचर से, एक बार इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। और बहुत जल्दी हम सारे के सारे टीचर्स जो है लाइव क्लास लेकर आएंगे। अभी लाइव क्लासेस चल रही है वैसे तो कुछ टीचर्स का शेड्यूल इतना बिजी है कि वो लाइव नहीं आ पाते, उसके लिए सॉरी चाहेंगे आपसे। आवाज वगैरह ठीक है क्या? ये रविंदर सर है हरियाणा जीके के, अभी आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ये भी हरियाणा जीके के सर है, सुनील कड़वासरा सर और क्यों कह जाए मैथ वाले सर है, देख लो सर आप भी आ जाओ। ये पीछे रहते हैं, ये पीछे से काम करते हैं। बहुत जल्द आपके सामने लाइव लेकर आएंगे। इनसे आप परिचित हैं, सर ने क्लास ली है पहले भी। मंजीत सर है और नसीब जी है, ये अपनी जो क्लासेज हैं पीडी कैंपस की, पीडी तो शाम में चलाते हैं, अभी संभालते हैं अपना यहाँ से लाइव जो चलता है सिस्टम। आकाश सर है पूरी की पूरी मैनेजमेंट और इस बिल्डिंग को बनाने का काम जो किया है, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये हमारे टेक्निकल मेंबर, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे यकृत के टुकड़े हैं ये दुष्यंत जी। और ये साथी जो है आप इनको जानते हैं, महोदय विनोद कुमार जी हमारे टीचर हैं ये भी, और हासी के सबसे पुराने जीके के टीचर हैं, आपको सॉल्यूशन करवाएंगे ये भी। अरविंद जोगी, राम राम सर जी, नमस्कार भाई सभी को। लुकिंग सो हैंडसम रविंदर सर के फैन आ गए हैं, हम प्यारी आ गए भाई। तो अगर वीडियो को एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दो भाई, फिर लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। एक बात और, ये मेरी अजीज है सर, प्रिय मित्र, बहुत अच्छे मित्र। एक सर आपका व्हाइट कलर है ना, ये बहुत ज्यादा उफान लिया रखा कैमरा पे, बहुत ज्यादा उफान लिया रखी इसने। एक कौन से क्वेश्चन में था वो, 13 था क्या वो, एक बार बता दूंगा दोबारा। भाई साथियों एक बार, वैसे तो दो तीन बार बतानी पड़ेगी, लेकिन जो भी साथी जुड़ गए उनको मैं बता दूं। एक बार तो कमेंट सेक्शन में ये बता दूं कि आप एग्जाम देने आए थे क्या, ठीक है ना? और यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा, कैसी हमारी व्यवस्था रही, एग्जाम का लेवल कैसा था, वो सारी की सारी चीजें आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप इसी वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो भी आपका बनता है कर्तव्य कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। एक 100 नंबर का जो हमारा जीके बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, जैसा कि आप जानते हैं किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो आपको याद रखना है 100 क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ त्रुटि रही, क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ी सी मिस्टेक रही, जिसकी वजह से हम 13 क्वेश्चन को, मतलब ये लगा लो कि इसको मानेंगे नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो काउंट नहीं होगा। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जो आंसर होना चाहिए वो इस ऑप्शन में नहीं था, तो ये क्वेश्चन भी काउंट नहीं होगा। इस हिसाब से टोटल 98 जो क्वेश्चन है वो काउंट करेंगे। सुखबीर नारू, यस सर। पवन सिंह, राम राम सारे मास्टर ने। पवन सिंह आप भी आए थे क्या आज यहाँ? सर सब कुछ सही था सर, शूज का कैफे बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद शूज कैफे जी। पूजा वर्मा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, राम प्यारी आज पेपर देने आई थी, लेकिन उसने पोशाक ऐसी डाल गई कोई पहचान ना सके। कोई बात नहीं, आई थी वह। पवन सिंह कह रहे हैं ना सर एग्जाम नहीं दे पाए। पवन जी अगला एग्जाम जो होगा उसमें जरूर आइएगा आप, चाहे आपका सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन ये बहुत ओपन कंपटीशन का मतलब आप समझते हैं कि आप
बुड्ढे हो तब तक आ सकते हैं। सनी सर गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद आपका। दोबारा से बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23 काउंट नहीं होंगे, 100 क्वेश्चन थे। रिजल्ट जो आपका दिया जाएगा वो 98 क्वेश्चंस में दिया जाएगा। देखो वैसे तो हमने पूरी तरह से कोशिश की है कि किसी प्रकार का एरर पेपर में ना रहे, लेकिन फिर भी एरर आए इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। दूसरी बात, हम अभी आपको आंसर्स बता देंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन नजर आता है तो आप ऑथेंटिक आंसर के साथ हमें भेज सकते हैं, जो हमने पंपलेट पे नंबर दे रखे हैं, जहां आपने गूगल पे किया था, और उसके अलावा जो नीचे दो नंबर दे रखे थे उनके ऊपर आप उस क्वेश्चन का आंसर भेज के हमें बता सकते हैं कि ये होना चाहिए। हालांकि ऐसा तो है तो नहीं, अनाउंस करेंगे रिजल्ट, हाँ कल फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे हम। और कुछ? चलो सर करवा दो, लगभग जुड़ गए, करवाएं, चलो ठीक है सर। विनोद सर करवाओ आप सॉल्यूशन। हेलो, ये बंद कर दो, ये लो, सभी साथी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज चेक करके बताएं भाई, अभी आवाज सही आ रही है? आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, एक बार कमेंट करके बताएं। ओके ओके, आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा सर। राम प्यारी, दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई नहीं दे रहा भाई? ओके ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन को आपको बता देंगे, एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सर, कमेंट ऑफ हो गए हैं, कमेंट ऑफ हो गए हैं, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड भाई, स्टार्ट करें सर। क्वालिटी रिफ्लेक्स आ रहा है शायद लाइट का, एक लाइट बंद करना, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, नहीं ऊपर से आ रहा सर, ये ऊपर की लाइट करो सर आप। क्वेश्चन नंबर, ये लाइट ऑफ करो एक बार, रिफ्लेक्स कैसे आ गया आज, साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लाइट ऑफ कर दो, चलो देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराष्ट्र है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे आप्रवासन होता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराष्ट्र रहेगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराष्ट्र रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है, साफ नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ठीक है, ऑप्शन चार थे, इनमें से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका फोर ही रहेगा, जैव मंडल, यही आपका आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका फोर्थ ही रहेगा। क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन है, सेंसर में से कौन सा वनस्पति के भेदन करता है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका फर्स्ट रहेगा, ऑप्टिकल सेंसर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपका फर्स्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर आपका वो फर्स्ट रहेगा, ठीक है। राम राम, यस भाई, राम राम, राम राम, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, भाई थोड़ा सा मैनेज कीजिए, क्लैरिटी साफ नहीं आ रही। हाँ हमें पता है भाई, ऊपर से रिफ्लेक्स आ रहा है, ठीक है, हल्का सा रिफ्लेक्स आ रहा है,
कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, टेक्निकल टीम लगी हुई है। नहीं सर, इस साइड का रिफ्लेक्स, एक सेकेंड, ये रिफ्लेक्स आ रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इस साइड का रिफ्लेक्स आ रहा है सर, ये रिफ्लेक्स पड़ रहा है। कहाँ से पड़ रहा है ये देखिए आप एक बार। दूसरी लाइट बंद कीजिए, इसमें से हाफ लाइट बंद कीजिए एक बार आप। हाँ सर, अब क्लियरिटी थोड़ी साफ हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है, जो गुजर साम्राज्य मिहिर बोझ के शासनकाल में जो उत्तर भारत का व्यापारिक केंद्र था, ठीक है, हरियाणा जीके के अकॉर्डिंग को काउंट किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, वो आपका फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा पेहवा, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो पेहवा है। अब ठीक है, हाँ भाई, अब थोड़ा सा साफ था सर, पहले साफ आया था, थोड़ा सा दोबारा कीजिए। नहीं भाई, कोई हाँ, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ले। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल सही बात है। अभी ठीक है, शॉप कैफे, ओके सर, ओके सर, सिर्फ दो मिनट दीजिए, दो मिनट दीजिए आप बस। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सेकंड रहेगा, एक सेकंड पे टेक्निकल टाइम लगी हुई है सर जी। रंग बिरंगा स्क्रीन हो रही है, हाँ भाई, रंग बिरंगी स्क्रीन हो रही है, दो मिनट दीजिए। चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणु गोपाल अय्यर, वाजीवा, बहुत प्यारा नाम है सर आपका, बहुत अच्छा नाम है सर, चिन्ना स्वामी सर। क्या आप आए थे आज, क्या आप आए थे सर आज? रुको जी दो मिनट, बिल्कुल जी दो मिनट, हम रुके हुए हैं, आवाज क्लियर है, मानते हैं ये बात, लेकिन थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम आई हुई है, सिर्फ दो मिनट दीजिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ दो मिनट दीजिए। भाई दो मिनट का टाइम लगेगा, एक बार जो हमारे पुराने विद्यार्थी भी जुड़ गए भाई, चिन्ना स्वामी साउथ इंडियन सदस्य है भाई, योग कड़ा से जुड़े है भाई, चिन्ना स्वामी तमिलनाडु से जुड़े है अपने के लिए, चिन्ना स्वामी किस बात की थैंक यू कह गया भाई, रंग बिरंगी पिक्चर आ रही आज भाई, आज मास्टर भी सारे रंग बिरंगे बन के आ रहे, तो थोड़ी सी जो पिक्चर वह भी रंग बिरंगी आओ, हो जाएंगे ठीक भाई, हो जाएंगे ठीक, हो जाएगा धीरे धीरे भाई, टाइम लग गया करे, वो है ना भाई सबर का फल मीठा हुए, तो थोड़ा सा सबर करो भाई, एक बार उस फल में जब हम मीठा बनाने लग रहे हम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग परी यादव, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई, बहुत बहुत ये अपने जो पुराने सदस्य ये भी जुड़ने लगे भाई, सदस्य जुड़ रहे हैं, जैसा आपने दिखाई दे है विनोद सर जुड़ रहा भाई, शुरू के जो क्वेश्चन है विनोद सर ही करवाओगा, ठीक है ना, आंसर की बतानी है सर, स्क्रीन प्रॉब्लम है। हाँ भाई प्रदीप, थोड़ी सी स्क्रीन प्रॉब्लम चल रही है, दो तीन मिनट में ठीक हो जाएगी बस, ये स्क्रीन प्रॉब्लम चल रही है भाई, बिल्कुल चल रही है। संदीप सिहाग, संदीप सिंह राम है ये, विनोद सर की आवाज आ रही है, हाँ मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ परी यादव जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, स्क्रीन दो मिनट में ऑन हो जाएगी, बेफिक्र रहिए, करना दियो, बिल्कुल आवाज आ रही है, एक बार
सर थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम होगी सर बताओ के एक बार करा। हाँ भाई राम प्यारी, राम प्यारी सर आपकी कोई पुरानी स्टूडेंट है क्या? हाँ ये मेरी पुराने समय में बहुत प्यारी मित्र है श्रीया। 1989 में हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते सर। 83 में 1989 में। अच्छा जी अच्छा जी। हाँ राम प्यारी आ गई भाई। राम प्यारी आ गई भाई। राम प्यारी तो जुड़ना बहुत जरूरी होगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आप हेलो हेलो। हाँ मेरी आवाज सही आ रही है क्या भाई? साथियों थोड़ी सी समस्या आ गई है, टेक्निकल इश्यू आ गया है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। दोबारा से लाइव आना पड़ेगा हमें, लगभग ये लगाओ कि 15 मिनट लग जाएंगे। फोटो तो आ गया फिर साफ नहीं आया है। ये जो सर वीडियो, अच्छा मॉइस्चर हो गया, कैमरे में मॉइस्चर हो गया जिसकी वजह से देखो ड्रायर वगैरह लेके हमें ठीक करना पड़ेगा उसको, और उस प्रोसेस में लगभग 15 मिनट का समय लगता है साथियों, ठीक है ना? तो ठीक 15 मिनट बाद देखो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने अभी तक पीडी कैंपस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां हम फिर दोबारा से लिंक सेंड करेंगे। और अगर आप टेलीग्राम में जुड़े रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे ही हमारी वीडियो आती है आप लाइव आ पाएंगे। तो साथियों एक बार उसको ज्वाइन कर लो, ठीक 15 मिनट बाद हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करके लाइव आते हैं, ठीक है ना? एक बार स्ट्रीम कर देते हैं, माफी चाहेंगे आपसे बहुत बहुत, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है एक बार स्ट्रीम एंड कर दो और ठीक करके फिर आ जाते हैं लाइव, कोई बात नहीं है। ठीक है चल गई मेरे ख्याल से, तो आवाज चेक करना एक बार, चली गई वापस। हेलो हेलो हेरे रे 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 साच मुसाच बता दे न लीलो। जुड़ जाओ भाई एक बार, हो गया मेरे ख्याल से सब कुछ, आवाज वगैरह बिल्कुल ओके होगी अभी फिलहाल तो, ठीक है ना? सभी साथी जुड़ जाओ एक बार, दोबारा से वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, फिर विनोद सर शुरू करेंगे, आपको आंसर की बताएंगे इसकी पूरी, ठीक है ना? अब सही है बिल्कुल, चलो हाँ, बिल्कुल सही है भाई। आवाज चेक करो। बोले ब्याले दिन की तारीख के लिखाई से, करो भाई शेयर करो जल्दी, आवाज सही आ रही है, कमेंट कीजिए। पीडी कैंपस के सभी सुपर डुपर टीचर को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। पवन सर अभी सही है, देखो बढ़िया है सर, पवन सर ठीक है जी, कर दो शुरू। रोक तक से देख रहे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, चलो ठीक है जी करो। ठीक है सर, सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोबारा से बताना चाहूंगा आंसर की, जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो महाराष्ट्र रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत नहीं थी, इस क्वेश्चन का आंसर जैवमंडल रहेगा। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन का आंसर जो है, ठीक है तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्टिकल सेंसर रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं, गुजर साम्राज्य जो मिहिर भोज के शासनकाल के समय में था, जो हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, पेहवा कुरुक्षेत्र वाला इसका आंसर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकेंड रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, एक सेकेंड भाई, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिबा फुल्ले का संबंध किससे है, ज्योतिबा फुल्ले का संबंध किससे है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जाति विरोध आंदोलन से है। ठीक है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड है, सी आंसर रहेगा हमारा। अलकनंदा, जो अलकनंदा नदी है रुद्रप्रयाग में जहां से मिलती थी और
फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? मंदाकिनी नदी है, आपको बता था उत्तराखंड में एक तबाही हुई थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पे, मंदाकिनी नदी इस क्वेश्चन का आंसर है। छठे क्वेश्चन का आंसर तीन है यहाँ पे। बात करते हैं फोर्थ सेवेंथ क्वेश्चन की, ठीक है, विधानसभा सीटें इनमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं करता, मतलब आपको ये बताना था इस क्वेश्चन में कि कौन सी सीट किस राज्य से कॉम्बिनेशन नहीं बनाती। मणिपुर वाला इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा, ए आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सात है ये, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सात है, इस क्वेश्चन का आंसर मणिपुर है, बाकी की सभी के सभी सीटें बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर कमेंट करके बताओ भाई, एक बार आवाज सही आ रही है? जी एस पवन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा आंसर की जल्दी जल्दी बताएं, हाँ भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहे हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहे हैं। चलो आठवें क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का जो शिलालेख धर्म धार्मिक सिख के बारे में जो कहता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बताना चाहूंगा, एक सेकेंड रुक जाइए, आठवां क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन दे बता देता हूँ आपको, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का सेकेंड, बारहवां जो अभिलेख है वो अशोक से धर्म के बारे में बताता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड, बारहवां अभिलेख रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, दूधवा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, लखीमपुर, सी आंसर दे रहा है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है वो क्या रहेगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, लखीमपुर। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट आपका दसवें क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र, नाव के जो चित्र मिले थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका, देखिए मोहनजोदारो और लोथल इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्या रहेगा, मोहनजोदारो और लोथल। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारा, देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दस, दस में क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे, सी आंसर है, दस क्वेश्चन का आंसर, ऑल क्लियर है सर, थैंक यू पवन सर, बहुत बढ़िया। चिन्ना स्वामी ओके सर, ये चिन्ना स्वामी हमारे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं जो बहुत दूर से हमें देख रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू चिन्ना स्वामी सर, बहुत एक। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, काराकुम जो मरुस्थल है वो किस देश में है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर ए रहेगा हमारा, तुर्कमेनिस्तान इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा, ए रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर है भाई, ए ऑप्शन है इसका आंसर। बात करते हैं आगे 12 नंबर, राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन सही है, हर्षवर्धन के बारे में पूछा गया है, मोखरी वंश संबंधित था, नहीं मोखरी वंश संबंधित नहीं था भाई, ये बिल्कुल गलत है, ए में पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, बिल्कुल ठीक है बी सी ऑप्शन, बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देख लेना, 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं इसके, 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर ऑप्शन है, 12 नंबर क्वेश्चन मैच कर लेना, देख के सी आंसर रहेगा भाई, 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, बी और सी एंड डी, बी सी डी ये सही थे, फर्स्ट इसका गलत था, तो सी आंसर के अकॉर्डिंग सही माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये क्वेश्चन सबको छोड़ना है, इसमें ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया गया है, आपको मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, दो क्वेश्चन है, दो ऐसे क्वेश्चन जो काउंट नहीं करे गए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 13 है आपका और एक क्वेश्चन नंबर 23 है, इनको छोड़ के ही आपकी आंसर की बनाई जाएगी, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों को छोड़ दिया गया है, पेपर की सीरीज से निकाल दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर बात 14 की कर लेते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत कहां से लिए गए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से
इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आयरलैंड रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, यह वचन किसके थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी कि हमारे जो भगवान है वो कहाँ है, हमारे जो भगवान है वो खाना बनाने में बर्तनों में है और हमारे जो धर्म रसोई में विराजमान है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा? स्वामी विवेकानंद। 15 क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम यहाँ पे। हमारे संविधान में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर अमेरिका रहेगा। कहाँ से? यूएसए से लिए गए हैं। कहाँ दे रखा ऑप्शन? ये रहा, मौलिक अधिकार कहाँ से ले रखे हैं? अमेरिका से ले रखे हैं। 16 का ए आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश को बांस के आधार पर राज्य बनाया गया था, वर्ष 1953 में बनाया गया था। 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सेकंड है। आवाज सही आ रही है क्या? बताना एक बार, आवाज बताओ भाई एक बार, बिल्कुल सही आ रही है क्या? चिन्ना स्वामी सर आवाज बताइए। 16 का एक, हाँ बिल्कुल 16 का एक है सर, बिल्कुल 16 का एक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार कहाँ से लिया गया है या कौन लगा सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? संसद के दोनों सदन। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो क्या है? संसद के दोनों सदन, मतलब राज्यसभा लोकसभा, महाभियोग वर्ड यूज कर सकते हैं। महाभियोग कहाँ से ले रखा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो कहाँ से ले रखी है? वो अमेरिका से ले रखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? 13 मई 1952। 19 का दो आंसर है। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। गठन नहीं पूछ रखा, पहली बैठक पूछ रखी है। पहली बैठक कब हुई है? गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952, लेकिन पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इनमें से किस प्रकार समाज सुधार ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने जी ने ही ये हमारी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर जो 20 का आंसर है वो एक रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर एक ही माना गया है, एक ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। पहला कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली जो प्रोग्राम की भाषा थी, प्रोग्राम किया गया जो असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा मशीनी भाषा, सेकंड आंसर रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? सेकंड क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का, रवि। हाँ भाई रवि, सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। बात करते हैं यहाँ पे 22वां क्वेश्चन जो है, देखिए, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है भाई। इस क्वेश्चन का 22वें क्वेश्चन का आंसर जो आंसर की है वो एक रहेगी। जो 22वां क्वेश्चन है उसका आंसर एक है, एकेश्वरवाद पर सिद्धांत पर आधारित है। बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, जो हमने पहले ही आपको बता दिया है। 23वां जो क्वेश्चन है वो उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। एक क्वेश्चन नंबर 13 था, एक 23 है, बार बार बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23 हमें काउंट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस क्वेश्चन को याद करने का एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, क्या? कांग्रेस पार्टी की स्थापना डफर के समय हुई थी, लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऐसे ही याद करना होता है क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन। डफर काम किया लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं।
नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा नरमपंथी में नहीं था? आपने तीन लाल सुने हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला बाल लाल पाल, ठीक है, बाल लाल पाल क्या थे, गरम दल के नेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे नरम पंथी में नहीं थे ये पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। जो 25वें क्वेश्चन का आंसर है वो क्या रहेगा, 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सेकंड, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, प्रमुख नेता कौन है, लाला हरदयाल ही माने गए हैं। 25 का हाँ बी ही बताया भाई आपको, 25 का मैंने बी ही बताया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 27वां क्वेश्चन, डब्ल्यू का हाइपर टेक्स्ट क्या रहेगा, होम पेज रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, क्या रहेगा, होम पेज। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इस क्वेश्चन का आंसर होम पेज रहेगा, ठीक है, सिर्फ आपको आंसर की बताई जा रही है यहाँ पे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो सर पहले बता के जा चुके हैं कि आप अपना ऑब्जेक्शन ऑथेंटिक डाटे के साथ लगा देना। अभी हम रिजल्ट जो अनाउंस करेंगे वो कल अनाउंस करेंगे, इस आंसर की के अकॉर्डिंग आपके नंबर काउंट किए जाएंगे भाई, सभी को बता रहा हूँ। परी यादव, हाँ भाई बिल्कुल परी यादव, क्या आप एग्जाम देने आए थे, ठीक है, तो आपके जो नंबर काउंट किए जाएंगे वो इसी आंसर की के अकॉर्डिंग काउंट किए जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप अपना जवाब हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन प्रूफ होना चाहिए कि सर इसका आंसर ये है। देखिए आगे बात करते हैं, कौन सा, किस जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो गोरखपुर रहेगा, गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, देखो हमने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या किया था, यस सर क्लियर वॉइस है, थैंक यू भाई, आवाज क्लियर है। अच्छा एग्जाम देने नहीं आए आप, ओके भाई, सारी क्लास लेती हूँ और पीडी कैंपस की छुट्टी हुई है या यहाँ पे, ओके जी, ओके आप क्लास में अटेंड हो चुके हो, ठीक है भाई। चलो तो आगे बताते हैं, जो हमारे कंपटीशन एग्जाम था ये स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों से था, तो इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमने स्वामी विवेकानंद के ही डाले हुए हैं। देखिए आगे क्वेश्चन को बता देते हैं आपका आंसर की, अगला क्वेश्चन जो है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र दत्त इनका नाम था, जो आंसर 29 का है वो 29 नंबर बी है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद जी के माता का क्या नाम था, हाँ यही क्वेश्चन है आगे, स्वामी विवेकानंद जी की माता का क्या नाम था, ठीक है, भुवनेश्वरी देवी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा बी, और इससे आगे के क्वेश्चन हमारे जो परम मित्र विक्रम सर आगे करवा रहे हैं आपको। आ जाइए सर, इससे आगे आप निशान लगवा दीजिए बच्चों को। हाँ सर बिल्कुल इकतीस नंबर पे पहुंच गए ना, 31 नंबर तक करवा दिए सर। उम्मीद है कि आवाज वगैरह तो क्लियर होगी, मेरे को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सर ने आपको सारी चीजें बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 23 काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना, 100 क्वेश्चन थे इसमें, दो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है इसलिए उन क्वेश्चन को सीरीज से बाहर निकाल दिया गया है, तो आपका जो रिजल्ट तैयार होगा वो 98 क्वेश्चन में से होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं आगे क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ ज्यादा समय ना लगाकर। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से पहली बार कब मिले, तो एग्जैक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 1881, ठीक है ना, सभी को नमस्कार भाई। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1881। उसके बाद है 32 क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका कब गए थे, तो 1893, एग्जैक्ट आंसर है 1893। 32 जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1893। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य किससे संबंधित है, तो ब्रज भूमि से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर
33 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि ब्रज भूमि रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप जानते हैं एंजाइम क्या होते हैं, भोजन का पाचन करने का काम करते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। ये पूछते हैं कि एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो इसमें दे रखा है वे जैव उत्प्रेरक है, बिल्कुल सही है ये तो। फिर उसके बाद क्या है, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल एंजाइमों के संदर्भ में सही है, तो इसका मतलब पहली भी ठीक दूसरी भी ठीक, तो ऑप्शन बी बनेगा, एक और दो दोनों ठीक हैं, एक और दो दोनों के दोनों ठीक हैं भाई इसमें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पेसमेकर, पेसमेकर का आविष्कार किसने किया? पेसमेकर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है साथियों विल्सन ग्रेटबैच। बोलो क्या नाम है? विल्सन ग्रेटबैच नाम है। यानी कि 35 जो क्वेश्चन है, 35वां जो क्वेश्चन है, उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? हाथी के गजदंत मतलब ये कह सकते हैं कि कौन सा भाग गजदंत के रूप में बदलता है। दो बार लिख रखे हाथी और गज एक ही बात है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा दूसरा, कृंतक, ठीक है ना। 36 जो है उसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36 का एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 37। 37 जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल विश्व में लगभग किस देश के समान है? ये क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि डेनमार्क। 37 जो क्वेश्चन नंबर है उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है जी? ऑप्शन बी है, यानी कि इसका डेनमार्क जो है वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा, बी डी, ठीक है। नए साथी जो भी वीडियो को देख रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो जो साथी एग्जाम देने आए थे वो अपने रिव्यू जरूर बता दें कमेंट सेक्शन में। अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं कि आज आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा, एग्जाम का लेवल कैसा था, व्यवस्था कैसी थी, सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। दूसरी बात, वैसे तो हमने 100% पूरी तरह से अपनी तरफ से सारा का सारा प्रयास किया है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और एग्जाम में किसी प्रकार का, क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताएं, और अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको दिक्कत लगती है तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है, जो वहां लिख रखा था, जो पर्चा दे रखा था थर्ड टाइम, उसके ऊपर उस क्वेश्चन के आंसर के ऑथेंटिक जवाब के साथ आप फोटो भेज दें, ठीक है ना। वैसे है तो नहीं ऐसा चांस, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है भाई, क्वेश्चन नंबर 38, लेपिडियोपटेरोलॉजी किसका अध्ययन है? लेपिडियोपटेरोलॉजी किसका अध्ययन है जी? तितलियों का अध्ययन है। बताइए किसका अध्ययन है? तितलियों का अध्ययन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, हरियाणा के किस बांध का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के प्रयासों से पूर्ण हुआ था? यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मसानी बांध। क्वेश्चन नंबर 39 का एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि क्या रहेगा जी? मसानी बांध इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, दाहिने हाथ का संख, दाहिने हाथ का संख किस लेखक की रचना है? एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम हुसैन शाह। गुलाम हुसैन शाह जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। 40 जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि वर्तमान में एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी है, कहां स्थित है ये? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है भाई। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि वर्तमान में एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 4%।
और अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है लगभग 17%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4% होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा की विषुवत रेखा से लगभग कितनी दूरी है? तो हरियाणा की विषुवत रेखा से जो लगभग दूरी है वो 29.97 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर है ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन क्या है? आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना हुई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 जो है उसका एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। फिर ये साइंस का क्वेश्चन है भाई, एक बायो का। मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? जो भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, यानी कि फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम, इमोशंस को कंट्रोल करने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो एग्जैक्ट आंसर है इसका हाइपोथैलेमस। बोलो क्या है? हाइपोथैलेमस। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। 46 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। यानी कि कितना रहेगा? 7 अप्रैल रहेगा, ठीक है। 46 कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन है भाई जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्या है? अक्षार है। इसका मतलब वो क्या है साथियों? बेस है। तो किसका पीएच मान संभवत होगा? उसका पीएच मान कितना होगा? उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से ऊपर होगा। 7 से ऊपर कौन सा? इनमें 7 से ऊपर इनमें एक ही है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। आवाज वगैरह सही है क्या प्रॉपर से भाई? एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दो। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, नए जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलते हैं आगे। चिल्ली साल्टपीटर, चिल्ली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? चिल्ली साल्टपीटर किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है साथियों, जिसका फॉर्मूला रहेगा NaNO3। क्या रहेगा? NaNO3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 का एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में, तांबा बोले तो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है लोहा। यानी कि क्या हो जाएगा? आयरन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है मकसूम? सही है जी, चलो सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 भाई, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किसमें ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए इसमें सोडियम और पोटासियम जैसी क्रियाशील धातुओं को डुबोकर रखा जाता है। अगर इसमें ऑक्सीजन होती तो फिर सोडियम और पोटासियम को इसमें डुबोकर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि वो जल के साथ तो क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है? वो अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में पहुंच गया पा। 51, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्न में से निम्न पर विचार कीजिए। यानी कि हरियाणा जीके का क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। सॉरी भाई, 52, एक भूस्थिर उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है, 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो 24 घंटे का समय लेता है जी। कितना समय लेता है साथियों? 24 घंटे का समय लेता है। यानी कि 52 जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। बताइएगा क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा।
फिर है क्वेश्चन नंबर 53, गुरुत्व जनित त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, छोटे जी से, अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से डिनोट करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 भाई, क्वेश्चन नंबर 54 का एग्जैक्ट आंसर जो है वो बीकानेर है। बोलो क्या है? बीकानेर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 न्यूमेरिकल है साइंस का, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन ज्ञात करें, तो एग्जैक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, -2 सेंटीमीटर इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डोपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? डोपलर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है इसके। 57 का एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1986। क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि 1986 जो है इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद है हरियाणा में ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां विधानसभा की आरक्षित सीट है? एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 17। कितना रहेगा? 17 रहेगा, यानी कि 17 जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में दक्षिण कोरिया में नेगलेरिया फाउलेरी संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होगी, यह संक्रमण किसके कारण होता है? तो यह संक्रमण वह भाई अमीबा के कारण। किसके कारण होता है? अमीबा जो कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय समुद्री जीव है, ठीक है ना, उसके कारण यह संक्रमण फैलता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। दिसंबर 2022 में किस देश के निवासियों को बम चक्रवात के कारण अपनी छुट्टियां रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा? छुट्टी खोज ली इसने, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है यूएसए। क्या रहेगा? यूएसए रहेगा। बोलो क्या रहेगा? यूएसए। एक बार थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं दोबारा से, जिन जिन साथियों को नहीं पता है, हालांकि जब एग्जाम हो रहा था तो सब सारे के सारे हॉल्स में और लाइब्रेरी में मैंने अनाउंस कर दी थी वो चीजें, लेकिन फिर भी 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इस एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जो कि मैंने आपको बता दी थी, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस थे इसमें, जिनमें से 2 क्वेश्चंस जो है उनको सीरीज से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी त्रुटि थी, 2 क्वेश्चंस को बाहर निकाल दिया। तो अभी जो आपका रिजल्ट जो तैयार होगा वो 98 क्वेश्चंस में से होगा। कितने क्वेश्चंस में से? 98 क्वेश्चंस में से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, अगर हो तो भी 0.001% चांस ये बनता है कि कई बार एक पोजीशन के ऊपर 2 कैंडिडेट टाई कर जाते हैं। अगर एक पोजीशन के ऊपर 2 आते हैं, एक पोजीशन पे 2 या 2 से अधिक कितने भी, एक पोजीशन पर अगर किसी भी कंडीशन में अगर टाई होता है, बराबर आ जाता है स्कोर, तो जो प्राइज होगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मानो कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे 2 साथी आते हैं तो फर्स्ट प्राइज जो है उसका आधा आधा मिलेगा, हालांकि ऐसा चांस बहुत कम होता है। तो आगे जो क्वेश्चन है आपको रविंद्र सर सोल्व करवाएंगे, देखो एक बार।
तो नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार। अगले क्वेश्चन जो हमारे है वो अब मैं आपको आसानी से सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसके अनुसार 61 जो क्वेश्चन हमारा वो देखते हैं एक बार। और क्वेश्चन है अपना होका अपनी मरोड़, यानी कि अपना होका अपनी मरोड़, इसका जो सही रहेगा भाई वो कौन सा रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही रहेगा, जो है अपने जो 61 क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है हरियाणा के किस शहर में बना पेड़ा विश्व प्रसिद्ध है? तो साथियों, यो वही है जहां आज आप पेपर देने आए थे। और कौन सा है वो हासी शहर है। हासी शहर का जो पेड़ा है वो विश्व प्रसिद्ध पेड़ा है भाई। गुड आफ्टरनून भाई प्री यादव, गुड आफ्टरनून मक्सूम। अगला देखिए, अगला दिया गया है डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है उसके रूप में प्यारे साथियों जो नियुक्त किया गया है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भाई। आगे देखिए 64, हाल ही में लॉन्च की गई जल दूत ऐप का क्या उद्देश्य है? भारत सरकार द्वारा एक ऐप बनाई गई है जिसका नाम है जलदूत ऐप। इसका जो उद्देश्य है प्यारे साथियों वो है गांव के जो कुएं हैं उनके अंदर का जो जल स्तर है वो इस ऐप के माध्यम से मापा जाएगा। हाँ, पेपर बहुत बढ़िया बनाया था हमने, आना था भाई आपने। ये पहले मैं भी सोच रहा था जो बच्चे ना आए उनको शायद थोड़ा सा धोखा लगेगा भाई, ये पेपर मुझे भी देना था। आगे है देखिए प्यारे साथियों क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की शशांक के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बने थे? तो प्यारे साथियों ऑप्शन आपको क्या है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। बल्लभगढ़ कोई जिला नहीं है, रानिया जिला नहीं है, ऑप्शन सी जींद। जींद भी क्या है, जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल सही रहेगा प्यारे साथियों, क्योंकि जो ये राजा बने थे वो बने थे थानेसर के राजा बने थे भाई, तो ऑप्शन डी रहेगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषाई प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था, यह इसके विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली राजस्थान में उत्तर प्रदेश के कुछ जो आसन भाग है उसको मिला के अलग राज्य बना दिया जाए। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? तो प्यारे साथियों ये जो बात कही गई थी वो किसके द्वारा कही गई थी? ये बात कही गई थी देश बंधु गुप्ता के द्वारा ये बात कही गई थी कि हरियाणा ने कोई और क्षेत्र उन्हें लिया के मिला के एक अलग प्रदेश बना दो भाई। आगे क्वेश्चन दिया गया है, हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है विनोद बयाना। विनोद बयाना वर्तमान में इसके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, हासी से विधायक है विनोद बयाना। अगले ऑप्शन देखते हैं हम, आगे ऑप्शन दिया गया है बी कौरपाल गुज्जर, सी बनवारी लाल और नंबर चार अनिल विज। तो आप आसानी से इस उत्तर का जवाब दे सकते हो। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, कंवरपाल गुज्जर वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा वन व आतिथ्य सत्कार मंत्री है, कंवरपाल गुज्जर भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस खालिस्तान में स्थित नहीं है। तो ये तीन शहर दिए गए हैं जहां मुद्रा बैंक है हरियाणा में, यानी कि जहां नोट की छपाई होती है। और ऑप्शन बी है कोची, कोची में जो भारत के नोट है वो नहीं छपते भाई। तो ऑप्शन नंबर जो अपना बी है ये बिल्कुल सही रहेगा। आगे दिया गया है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य है? तो प्यारे साथियों जो जीएसटी परिषद है इसके अंदर कुल 33 सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो करता है वो मंत्रालय का नाम है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो वित्त मंत्रालय है ये क्या करता है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है भाई।
आगे देखिए, लेसेज शेयर किस अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करता है? तो प्यारे साथियों, जो लेसेज फेयर है 71 क्वेश्चन है जो हमारा, ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है और जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, स्वतंत्रता उद्यम अर्थव्यवस्था। आगे देखिए 72 क्वेश्चन, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसमें से जो सत्य है प्यारे साथियों वो क्या है, 72 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सी सत्य है, उत्पादक प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा ये बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 73 है आपका दिखाई दे रहा है, जो आपने इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है भाई ये अपना बिल्कुल सही रहेगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है भाई। आवाज बिल्कुल सही आ रही होगी मेरे को, उम्मीद है आपके पास। अगर फिर भी आपको दिखने में या सुनने में कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करके जल्दी बता दीजिए। हाँ, उर्मिला ना भूल गया भाई, उर्मिला आज अपनी नीचे पड़ी है, चिकू बढ़ाना, गुड आफ्टरनून भाई चिकू बढ़ाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अपना 74 नंबर क्वेश्चन है भाई, 74 जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर रहेगा भाई 1342। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका एक पुस्तक थी जो किसके द्वारा लिखी गई, वो लिखी गई मैक्सथनीज के द्वारा भी। इंडिका पुस्तक का लेखक पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 76, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पोर्ट, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी है ये बिल्कुल सही रहेगा, इसे पोर्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 77, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय, तो ये जो मुख्यालय है प्यारे साथियों ऑप्शन बी रहेगा इसका भी, ऑप्शन बी लोसाने में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? तो जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे प्यारे बच्चों उसका नाम था राहुल, गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था भाई राहुल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो जिसका इसने लेखन का कार्य किया, तैयार करने का कार्य किया, उसी ने इसे क्या कहा था, एक पवित्र दस्तावेज कहा था। और किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान तैयार किया था। ज्योति राजपूत गुड आफ्टरनून भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जिसमें दिया गया है मन शब्दारी व्यवस्था के सदर्भ में कौन सा सत्य है? 80 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी भाई 1 और 2। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? यानी कि जो धन विधेयक है भारत के संविधान में है इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो प्यारे बच्चों 110 अनुच्छेद है जो उसके अंदर मिलता है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 82 में दिया गया निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो जो इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए व बी दोनों, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए पर्वतक तल से कितने दूर खड़ा होना चाहिए? तो
तो कितना आना चाहिए भाई, लगभग 56 फीट दूर होना चाहिए उसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो प्यारे बच्चों जो अपना 84 नंबर क्वेश्चन है इसका है विपिन चंद्र, विपिन चंद्र, जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आसान सा क्वेश्चन है, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, मेहंदी के हब के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों जो मेहंदी के हब के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा जिला है, वो जिला है हरियाणा का फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले में हरियाणा में सबसे अधिक मेहंदी का उत्पादन होता है भाई। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही रहेगा, फरीदाबाद। आगे देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल का जन्म स्थान कौन सा है। आप भली भांति जानते हैं कि जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था धर्मवीर भाई, धर्मवीर था। और जो उनका जन्म हुआ था वो एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस शहर का नाम है प्यारे साथियों बिजनौर। बिजनौर में जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर का। उसके बाद 87 क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट, एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं आपको अच्छे से दिखाई दे, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर सी है 3 मई 1967 को की गई थी, 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। भाई रिसेप्शन वाली तो मैं पूछ के बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता सकता इस बारे में क्योंकि ये थोड़ी क्लास हमें जल्दी करनी है। बाकी जो अपनी मौज मस्ती मजे वाली क्लास है वे आप यूट्यूब पर हर रोज लेते हैं, वहां उसमें बात करांगे भाई आप ये सारी चीजा की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का सदस्य है, यानी कि HSSC का कौन सदस्य है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए, भोपाल सिंह खदरी है, विजय वत्स ये भी है, कौलजीत सैनी और ये भी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है जो दिया गया है मनीष दहिया, तो ये मनीष दहिया क्या है, इसके सदस्य नहीं है, इसके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य नहीं है भैया। उसके बाद देखिए, हरियाणा सरकार ने किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा है। तो किसका नाम पर रखा भाई, यो नाम रखा है NIFM, NIFM का नाम बदल के क्या नाम रख दिया भाई, भारत का जो पूर्व वित्त मंत्री था उसका नाम पे नाम रख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाब हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया। आप भली भांति जानते हैं 1999 में जो स्थापित किया गया था उस समय पाकिस्तान और पंजाब का सांझा हाईकोर्ट था, उस समय तो लाहौर में किया गया। उसके बाद आजादी के बाद कहां किया गया, हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद कब किया गया, उसके बाद लिया के 1955 में कड़ा छोड़ा भाई, इसने 1955 में कड़ा किया गया, चंडीगढ़ के अंदर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक भिन्न है। ये बहुत ही नॉलेज वाला क्वेश्चन था भाई, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक भिन्न है। तो प्यारे बच्चों जो इन चारों में से भिन्न है उसका नाम है सुभाष चंद्रा। क्या है, सुभाष चंद्रा, क्योंकि हमें पता है डीपी वत्स, कार्तिकेय शर्मा और कृष्ण लाल पवार ये क्या है, तीनों वर्तमान में हरियाणा से राज्यसभा सांसद है। और ये सुभाष चंद्रा क्या है, सुभाष चंद्रा क्या है, पूर्व सांसद थे भाई, क्योंकि अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। आगे देखिए 92 क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा भी हमारा, ये जो आजमाई गई सबसे अधिक जो दवा है उसका नाम है जुडोवुडिन, जुडोवुडिन है भी ये।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीथीन तथा पीवीसी के कुछ उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा ये बी बिल्कुल सही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद देखिए, हरियाणा के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक सरस्वती नदी और दी आर्यंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो प्यारे बच्चों जो ये बुक लिखी गई है ये लिखी गई है पी लाल द्वारा। पी लाल ने दो प्रमुख पुस्तकें लिखी थी जिसमें से एक का नाम था सरस्वती नदी और एक का नाम था दी आर्यंस, और जो इसका विमोचन कराया था वो किसने कराया, हरियाणा के राज्यपाल ने कराया, और लिखने का कार्य किसने किया था, पी लाल ने इसे लिखने का कार्य किया था। उसके बाद देखिए, भारत में हरियाणा में वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा, तो जैसे अब 2013 लगी और जो हरियाणा सरकार का जो सबसे प्रमुख कार्य फिलहाल जारी है वो क्या है, वो है प्यारे बच्चों लाल पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाना, और ये किस डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किए जाते हैं, वो किए जाते हैं अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जावे, अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाया जाएगा कौन सा 2023, और तभी 2023 में एक कार्य शुरू किया गया कौन सा राशन कार्ड बनाने का भाई। उसके बाद देखो, किस देश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो हरियाणा में तो अंबली बाती जानते हैं गीता महोत्सव जो जयंती है इसका आयोजन कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है, और हरियाणा से बाहर की अगर बात करा भाई तो कनाडा में किया गया है इसका, कहां किया गया है, कनाडा के अंदर किया गया है। उसके बाद बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नाम बदले गए हैं बीजेपी सरकार क्या है, गांव के नाम बदलने के ऊपर प्रमुख रूप से जोर दे रही है, तो एक गांव है जिसका गांव का नाम है बाबरपुर, बाबरपुर का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया भाई, 97 जो क्वेश्चन है इसका जो वर्तमान में नाम रख दिया गया है वो नाम रख दिया है गुरु नानकपुर। तो जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ये बिल्कुल सही रहेगा, क्या नाम रखा गया है, श्री गुरु नानकपुर नाम रखा गया है भाई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आगे देखिए 98 क्वेश्चन है जो हमारा, पंचायतों के सदरम में निम्न में से कौन सा कथन सही है, 98 जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 98 क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन सी है 2 तथा 3 ये बिल्कुल सही रहेगा, 98 क्वेश्चन का जो आंसर है 2 व 3 यानी कि ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 99 क्वेश्चन है और बहुत बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें ना कोई सोचने की जरूरत है, जब भी भारत की ज्योग्राफी पढ़नी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना यो ही बनाया करे भाई, लेकिन यो क्वेश्चन बनाया करे, खासकर हमें क्या है याद करने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। निधि कसाना गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून निधि कसाना। तो देखो हमने एक छोटी सी ट्रिक भी बताई है जो हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया करा, भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, बस छोटी सी चीज याद रखनी है आपने, क्या रखनी है, 3, 3, 26, 27 और बीच में एक गैप रह गया किसका, एक अक्षर आएगा और एक अक्षर क्या आएगा जो 7 का बाद आएगा यानी कि 8, तो कितना आया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो आपका लास्ट में दिया गया क्वेश्चन नंबर 100 इसका देखते हैं, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत में बहुत लंबा है भी ज्यादा टाइम लग जाएगा, सीधा उत्तर में आ जाओ भैया पा, उत्तर है इसका 8 एम्पियर। तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं आपने साथ साथ जो आपके आंसर है या आपको एग्जाम से मिला लिए होगे और लिख लिए होगे, अगर फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन से छूट गए हैं जिसे आप फिलअप नहीं कर पाए तो आप जल्दी से 1 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में
जल्दी कमेंट करके बता दे, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको दोबारा से जो एक दो क्वेश्चन है आप बीच में भूल गए उसको दोबारा से सही करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप जल्दी से कमेंट करिए, अगर आपने सही फिलअप किया है, सही आपने मिलान किया है, तो आप जल्दी कमेंट करके ये बात भी अवश्य बता दी। क्वेश्चन 58 इसमें जिले पूछ रखे हैं, जिसमें आरक्षित सीट है, टोटल आरक्षित सीट नहीं है सर, प्लीज क्लियर माई डाउट। हाँ भाई बिल्कुल डाउट क्लियर करांगे, खासकर हरियाणा जीके के अगर आपको जितने भी डाउट है वो मैं आपके अवश्य डाउट क्लियर करूंगा सारे के सारे। हरियाणा जीके का अगर कोई भी डाउट है तो 58 नंबर क्वेश्चन है ना भाई लोकेश शर्मा, चलो अभी करते हैं। अभी हाँ ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 58 अभी, हरियाणा में ऐसे जिलों की संख्या कितनी है जहां विधानसभा की क्या है आरक्षित सीटें हैं। तो प्यारे बच्चों हमें पता है हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की सीटें कितनी है आरक्षित, हरियाणा में 17 विधानसभा की जो सीटें हैं वो आरक्षित है, और ये जो सीटों की आरक्षित की संख्या रखी गई है प्यारे साथियों ये हर जिले में से एक विधानसभा की सीट आरक्षित रखी गई है, और हर जिले में से एक किस प्रकार, यानी कि हरियाणा के 5 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, जैसे हमारा पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, ये कुल मिला के हरियाणा के जो 5 जिले, एक मेवाती अनु, हरियाणा के 5 जिले ऐसे है जिनके अंदर कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। अगर उनमें से हम 5 जिले माइनस करेंगे, कुल हरियाणा में कितने जिले हैं 22 है प्यारे बच्चों, और 5 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जिनमें क्या है कोई भी विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है, तो आरक्षित कितने जिलों में होगी, 17 जिलों में होगी, और हर जिले में एक विधानसभा की सीट आरक्षित है, किनमें से, जो 17 जिले है और जहां विधानसभा की सीटें आरक्षित है। तो लोकेश शर्मा मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं फिर और कोई सरल माध्यम है उस माध्यम से मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। लोकेश शर्मा एक बार जल्दी से बताइए, आप समझ गए हैं क्या, आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ भाई, क्योंकि मैंने हिंदी बोलती आन होगी बहुत ज्यादा देर, और मैं हूं हरियाणा जीके का मास्टर भाई, तो मेरे पे ज्यादा देर हिंदी घाट बोली जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है हरियाणा का जो कल्चर सिस्टम है इसको बढ़ावा देना, और वो क्या करना भाई, देसी बाणा, देसी खाना और देसी कहना, तो आप तो भाई जमा देसी बोलिया करा। तो बताओ एक बार अगर आपने कोई भी डाउट है तो उस डाउट ने भी जल्दी दूर करांगे, और हरियाणा जीके में कोई डाउट है तो वो भी जल्दी बता दियो भाई, डाउट आप कोई को नहीं छोड़ा। तो चलो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर पढ़ाएंगे, फिर आप नई क्लास लेके आऊंगा भाई हरियाणा जीके की, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अमन बागड़ी, राम राम भाई अमन बागड़ी, हाँ चलो भाई आपका आगे समझ में, और फिर एक छोटे सा गाना के साथ खत्म करांगे, बलिया मीरा है तेरा बाजे एक तारा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने आज जो हमारी शोभा बढ़ाई है उसके लिए हम आपका सदैव आभार प्रकट करते हैं, और जो आज आपने व्यवस्था बनाए रखी, हरियाणवी आण दो भाई, हरियाणवी चल आ गई भाई अपनी, तो सर पॉलिटिकल की कौनी आवे के क्लास, पॉलिटिकल की भी आ जाएगी भाई, एक बार हरियाणा सीख के तो जान दो कंप्लीट है, आभूषण की क्लास लेकर आना सर जी, हाँ भाई आभूषण की क्लास लेके आवांगे, कोई आभूषण पहनने वाले भी आने दो एक बारी, जो कन्हा पैर के आभूषण में खड़ी होगी। तो चलो भाई आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था ये अंशवर की कंप्लीट करवाना था, इस क्लास में आप ज्यादा अपनी भाषा भी लैंग प्रयोग करा, और ज्यादा अपनी जो बात है प्यार प्रेम की बात है
ये भी आपका जो अपनी स्पेशल क्लास है उसके अंदर प्रयोग करांगे। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, आज की क्लास की समाप्ति हम यही करते हैं, फिर मिलेंगे आप एक नई क्लास के साथ। तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा।